नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम पॉलिटी का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 70 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। भारत के संविधान में जो न्यायिक समीक्षा की संकल्पना की गई है, वो किस देश से ली गई है। देखो, जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, यूएसए से लिया गया है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन जो है एग्जाम में हर बार पूछ लिया ही जाता है। अब यूएस के का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वहाँ से क्या क्या चीज़ें जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो की गई हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट सी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि फंडामेंटल राइट हो गए, ये भी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो गया, यानी कि जो हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंस बॉडी होगी, एक ये भी यूएसए से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू हो गया, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की जो इम्पीचमेंट होती है वो भी यहीं से ली गई है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ही। नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है? देखो, ब्रिटेन से लिया गया है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ब्रिटेन से ली गई है। रूल ऑफ लॉ जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप जो है वो ब्रिटेन से ली गई है। उसी तरह कनाडा की बात करें तो कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा से लिया गया है जो फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है, यानी कि सेंटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू स्टेट। ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। और रेजिडरी पावर जो होगी वो होगी सेंटर के पास, ये कहाँ से लिया गया है? ये भी कनाडा से ही लिया गया है। और उसी तरह ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है कंकरेंट लिस्ट। जैसे कि कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? एजुकेशन आता है, इस तरह के सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। फ्रीडम ऑफ ट्रेड हो गया, ये भी कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ज्वाइंट सीटिंग ऑफ टू हाउसेज, यानी कि जो राज्यसभा और लोकसभा होती है उनकी जो ज्वाइंट सीटिंग होती है, ये प्रोसेस भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई है। तो इस तरह की प्रोसेस जो है ये मैंने बताई आपको। अगला क्वेश्चन देखिए 71। यहाँ पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ शॉर्टेस्ट टेन्योर। तो भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति होना चाहिए, यहाँ पर हिंदी में सिर्फ राष्ट्रपति लिखा गया है, जिनका कार्यकाल जो था वो सबसे छोटा था। तो वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया की बात की गई है, वी वी गिरी जो है इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो था वो सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। ऐसे कौन से सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे जो अनअपोज्ड जो था वो चुने गए थे, इनके उनके अपोजिशन में कोई भी नहीं खड़ा था? तो वो भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे। और दूसरे नंबर पर राष्ट्रपति कौन बने थे? पहली बार जो उपराष्ट्रपति बने थे तो 1952 में बने थे। जब दूसरी बार उपराष्ट्रपति बनाए गए तो 1957 में बनाए गए। तो उस टाइम कौन बनाया गया? उस टाइम बनाया गया सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। और तीसरी बार जब 1962 में इलेक्शन हुए तब किसको बनाया गया? तब डॉक्टर जाकिर हुसैन को बनाया गया। और चौथी बार जब इलेक्शन हुए कब हुए? 1967 में, तब वी वी गिरी को जो था वो बनाया गया। और 1967 के बाद 1969 में इलेक्शन हुए, तो ये इनका शॉर्टेस्ट टेन्योर था। अब इलेक्शन हुए तो जी एस पाठक को जो था इनके बाद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया था। ये आप याद रखिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने आपको बताए। मिनिमम एज टू बिकम द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज़, तो अगर किसी भी स्टेट का गवर्नर बनना हो, राज्यपाल बनना हो, तो न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है? तो गवर्नर के लिए जो न्यूनतम आयु रखी गई है वो रखी गई है ऑप्शन सी 35 ईयर्स। 35 ईयर्स जो है वो मिनिमम एज रखी गई है गवर्नर ऑफ स्टेट के लिए। अब यहाँ से तो पहली चीज़ आ जाती है कि गवर्नर ऑफ स्टेट को अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? गवर्नर ऑफ स्टेट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अब गवर्नर को कुछ आर्टिकल्स भी दिए गए हैं। कौन कौन से आर्टिकल्स दिए गए हैं? जैसे कि गवर्नर ऑफ स्टेट से कौन सा आर्टिकल डील करता है? तो आर्टिकल 153 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नर ऑफ स्टेट से डील करता है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट आर्टिकल 154 में आता है। अपॉइंटमेंट जो गवर्नर की होती है वो कौन से आर्टिकल में आती है? वो आर्टिकल 155 में आती है। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर आर्टिकल 156 में आता है। गवर्नर की जो ओथ होती है वो कौन से आर्टिकल में आती है? वो आर्टिकल 159 में आती है। पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन एंड अदर, तो अगर गवर्नर किसी को यानी कि क्षमा भी दे सकता है, पार्डन भी दे सकता है, तो ये आर्टिकल 161 में आता है। उसी तरह प्रेजिडेंट के पास भी ये पावर है पार्डन की, तो ये कौन से आर्टिकल के तहत आती है? प्रेजिडेंट के पास जो पावर है वो आप कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको ADB भी कहा जाता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? अब एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है? मनीला में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अब बात करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1966 में हुई थी।
1966 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। मनीला कहाँ पर पड़ता है? ये फिलीपींस में पड़ता है। कई बार जो है वो ब्रिक्स के बारे में पूछ लिया जाता है, तो ब्रिक्स के बारे में पहले तो आप याद रखिए कि ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या होती है। ब्रिक्स की फुल फॉर्म होती है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। एस से जो है वो काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। एस से ऑप्शन दे जाइए, साउथ अफ्रीका वो ऑप्शन में होगा, सिंगापुर ऑप्शन में होगा, और भी एस से जो ऑप्शंस बनते हैं वो होंगी, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप याद रखिएगा कि एस से जो है वो साउथ अफ्रीका होता है। अब ब्रिक्स की बात और भी कर लेते हैं कि ब्रिक्स के बारे में एग्जाम में और क्या पूछा जा सकता है। तो पहले तो इसके बारे में पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना जो था वो हुई थी 2006 में। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें साउथ अफ्रीका नहीं होता था, तब इसमें ब्रिक यानी कि चार कंट्रीज होती थी, और साउथ अफ्रीका इसमें कब जाकर जुड़ा था? साउथ अफ्रीका जो था 2010 में जाकर जुड़ा, फिर जाकर ये ब्रिक्स बन गया। तो ये आप ब्रिक्स के बारे में याद रखिए। अच्छा, बाकी अगर अभी तक आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और फेसबुक, इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम पर देखिए आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी। अगर टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक काम नहीं करता है तो आप अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च कर सकते हैं, तब आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर जो है हमारे 7,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, तो आपको ईजिली पता चल जाएगा हमारे चैनल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑफन दी फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया। तो भारत में वित्त आयोग कितनी बार निर्मित होता है? देखो, तो भारत में जो फाइनेंस कमीशन है वो आफ्टर एवरी 5 ईयर जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है। ऑप्शन सी सही आंसर है, आफ्टर एवरी 5 ईयर। अगर बात करें फाइनेंस कमीशन की, तो फाइनेंस कमीशन जो है ये किस तरह की बॉडी है? तो ये एक क्वेसी जुडिशियल बॉडी है, और कौन सा आर्टिकल जो है वो डील करता है फाइनेंस कमीशन के साथ? तो आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डील करता है फाइनेंस कमीशन के साथ। फाइनेंस कमीशन में जो है वो चेयरमैन होते हैं और चार अदर मेंबर होते हैं। इन लोगों को जो है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो इन लोगों को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। पहले फाइनेंस कमिश्नर जो थे वो कौन थे? तो पहले फाइनेंस कमिश्नर थे के सी नियोगे जो थे वो पहले फाइनेंस कमिश्नर थे। अगर आपसे पूछा जाए कि फाइनेंस कमीशन जो है वो किस तरह की बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो फाइनेंस कमीशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये भी आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, वट डज द एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। तो भारत के संघ की कार्यपालिका किससे मिलकर बनी है? तो भारत की जो एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन है वो किससे मिलकर बनी है? क्वेश्चन नंबर 61 की अगर बात करेंगे तो 61 का ऑप्शन डी सही आंसर है, ऑल ऑफ दीज, यानी कि इसमें प्राइम मिनिस्टर भी इंक्लूड होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होता है और प्रेजिडेंट भी इंक्लूड होता है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव का आपको पता चल गया, प्रेजिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ पर आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में, स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में भी आपसे पूछा जाता है, तो स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं और फिर चीफ मिनिस्टर आते हैं। तो ये आप याद रखिए किसके बारे में, इन दो चीज़ों के बारे में, यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑन व्हाट ग्राउंड कैन द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड। तो भारत के राष्ट्रपति को किन आधारों पर जो है वो इम्पीच किया जा सकता है, यानी कि उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 62 की अगर आप बात करेंगे तो 62 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान के उल्लंघन के लिए जो है वो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया को जो है वो इम्पीच किया जा सकता है। अगर देखो प्रेजिडेंट को जो है वो इम्पीच करना है तो इनकी इम्पीचमेंट जो है वो किसी भी हाउस में स्टार्ट की जा सकती है, यानी कि राज्यसभा में भी स्टार्ट की जा सकती है और लोकसभा में भी स्टार्ट की जा सकती है। उसके लिए इन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा है कि जो इम्पीचमेंट होगी उसके ऊपर साइन होने चाहिए 1/4 मेंबर ऑफ दी हाउस, जिसमें भी यानी कि अगर लोकसभा में अगर ये इम्पीचमेंट चलाई गई है तो वहाँ पर 1/4 मेंबर्स के साइन होने चाहिए, तभी उस इम्पीचमेंट को जो है वो चलाया जा सकता है। और 14 डेज जो है वो प्रीरियर नोटिस देना पड़ेगा प्रेजिडेंट को इम्पीचमेंट से पहले, और इम्पीचमेंट के बाद जो है जब ये इम्पीचमेंट पास हो जाएगी तो उसके बाद 2/3 ऑफ टोटल मेंबर जो है हाउस के उनको ये पास करना पड़ेगा, तभी जाकर इम्पीचमेंट लगेगी, यानी कि काफ़ी लंबे प्रोसीजर रखा गया है। एक और किताब पर आप जरूर पढ़ें अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आया, बट एक बात आप याद रखिए कि अभी तक किसी भी प्रेसिडेंट को जो है वो इम्पीच नहीं किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में ये प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट जो है प्रेजिडेंट के लिए ये डिफाइन किया गया है? तो आर्टिकल 61 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है इम्पीचमेंट फॉर, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 61 का नाम याद रखिए। और अगर बात करें कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो कौन से आर्टिकल में आते हैं, तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 54 में आते हैं।
तो ये दो आर्टिकल मैंने आपको बताया, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये दोनों याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, इनको अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगर बात करें डिटेल में, तो डिटेल में देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो है वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके साथ ही कंसल्ट करते हैं इसमें, तो विद द आफ्टर द कंसल्टेशन विद जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज डीम्ड नेसेसरी। अगर वो नेसेसरी समझे तो इनके साथ वो कंसल्ट कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी जज लोग होते हैं उनको कौन अपॉइंट करते हैं, तो उनको जो है उनको भी प्रेजिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की मैंने बात की थोड़ी सी, तो यहाँ पर ये याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की इनाग्रेशन कब की गई थी, तो इसकी इनाग्रेशन की गई थी जनवरी 28, 1950 को। सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज कितनी होती है, तो 65 ईयर्स जो है इनकी रिटायरमेंट एज होती है, 65 ईयर्स इनकी रिटायरमेंट एज होती है। और अगर इन्होंने अपनी इच्छा से रिजाइन करना हो तो ये किसको अपना रिजाइन देंगे, तो ये रिजाइन देंगे अपना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है वो रिमूव करना है, तो किस तरह से रिमूव किया जाता है, इनको प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किया जाता है ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट रिकमेंड करेगा कि भाई इस जज को जो है वो रिमूव कर दिया जाए, और प्रेसिडेंट जो है उस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 64 है, कैन अ पर्सन एक्ट एज अ गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट। देखिए क्या एक व्यक्ति जो है एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है, तो क्या इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर होगा, यस। यानी कि एक कोई भी एक गवर्नर जो है, जैसे हिमाचल प्रदेश के कोई गवर्नर हैं तो वो किसी और स्टेट के गवर्नर भी रह सकते हैं। और ये इन केस ऑफ हिमाचल हुआ भी था, जहाँ तक मुझे याद है तो हुआ भी था कि हिमाचल के गवर्नर थे उनके पास किसी और स्टेट का चार्ज भी था। अगर बात करें गवर्नर की, तो देखो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जो है वो कौन से आर्टिकल में आती है, आर्टिकल 155 जो है वो डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर के साथ। और अगर बात करें कि जो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर होता है वो कौन से आर्टिकल में आता है, वो आर्टिकल 156 में आता है। अगर बात करें कि गवर्नर के पास ये पावर होती है कि वो किसी को माफ कर सकते हैं, किसी की सजा कम कर सकते हैं, तो पावर ऑफ द गवर्नर टू ग्रांट पार्डन, ये कौन से आर्टिकल में आता है, तो ये आर्टिकल 161 में आता है। तो ये तीन आर्टिकल हमने इम्पॉर्टेंट जो थे वो डिस्कस किए, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 क्या है। 65 क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है, जो अपॉइंटमेंट होती है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो प्रेजिडेंट के द्वारा की जाती है। अगर देखो डिटेल में बात करें, तो देखो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो होते हैं इनकी अपॉइंटमेंट प्रेजिडेंट के द्वारा की जाती है आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। यानी कि अगर हिमाचल के चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल के जो हाई कोर्ट है उनके चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट करनी है, तो क्या होगा, पहले तो चीफ मिनिस्टर के साथ डिस्कस की जाएगी जयराम ठाकुर के द्वारा, और उसके बाद गवर्नर के साथ भी डिस्कस की जाएगी कि हम इनको जो है वो एज अ चीफ जस्टिस अपॉइंट करेंगे। और इनकी ओथ यानी कि इनकी शपथ जो है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई जाती है, तो इनकी शपथ जो है वो गवर्नर ऑफ द स्टेट के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है, यानी कि गवर्नर कंडक्ट करवाते हैं। और ये कितनी एज तक जो है ये ऑफिस अटेन करते हैं, तो 62 ईयर्स जो है इनकी रिटायरमेंट एज रखी गई है, 62 ईयर्स, ये भी याद रखिए। तो ये सब बेसिक बेसिक सा है। क्वेश्चन नंबर 66 है, यहाँ पर पूछा गया है हु एडमिनिस्टर्स द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है, भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन बी जो है वो सही, ऑप्शन बी सही आंसर है, दी प्रेसिडेंट रेगुलेटेड बाय दी लॉ ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि राष्ट्रपति संसद के कानूनों द्वारा इसको विनियमित करता है। अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज जो है वो कितनी है, टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज प्रेजेंट टाइम में कितनी है, 8 टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज है। कौन कौन सी हैं, एक तो हो गया अंडमान निकोबार, दूसरा हो गया चंडीगढ़, तीसरा हो गया दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये तीसरे नंबर पर आती हैं, चौथे नंबर पर दिल्ली आती है, पांचवें नंबर पर जम्मू कश्मीर आती है, छठे नंबर पर लद्दाख आता है, सातवें नंबर पर लक्षद्वीप आता है, और आठवें नंबर पर पुडुचेरी आता है। तो ये सब आप याद रखिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि अंडमान निकोबार की कैपिटल कहाँ पर है, ये भी आप कमेंट करके बता दीजिए, और लक्षद्वीप की कैपिटल कहाँ पर है, ये भी आप कमेंट करके बता दीजिए। तो आप लोगों को ये छोटा सा होमवर्क है जो आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए क्या है, वेन वॉज द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप। तो प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब की गई थी, प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई थी 1950 में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब प्लानिंग कमीशन को जो है वो नीति आयोग में चेंज कर दिया गया है, तो
1 जनवरी 2015 को जो था इसको चेंज कर दिया गया था, यानी कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेडीज बिकम गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट, यानी कि निम्न में से कौन सी महिला भारतीय राज्यों की भारतीय राज्यों की राज्यपाल बनी। तो क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन ए सही आंसर है। सरोजनी नायडू जो था वो भारतीय राज्यों की राज्यपाल बनी थी। कई बार पूछ लिया जाता है कि पहली महिला चीफ मिनिस्टर कौन थी इंडिया की, तो पहली महिला चीफ मिनिस्टर थी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी नाम भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दी राज्यसभा विच इज दी अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो ये राज्यसभा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यसभा का पहला ऑप्शन आपके पास अलग अलग दिए गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 69 का मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताता हूँ, ऑप्शन बी। ये जो है एक परमानेंट बॉडी है, यानी कि राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, इसको डिजॉल्व नहीं किया जा सकता। लोकसभा को डिजॉल्व किया जा सकता है। अब राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष, और राज्यसभा जो है एक परमानेंट बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 है नॉर्मली द इंटरवल बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट शुड बी नॉट बी मोर देन। तो सामान्य जो है वो संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल जो है वो कितने से अधिक नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन बी सही आंसर है, 6 मंथ। 6 महीनों से ज़्यादा इंटरवल जो है वो पार्लियामेंट के दोनों सेशन के बीच में नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट के कितने सेशन होते हैं, तो पार्लियामेंट के जो है वो 3 सेशन मेनली होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है बजट सेशन, दूसरा होता है मॉनसून सेशन, और तीसरा होता है विंटर सेशन। बजट सेशन जो है वो फरवरी से मई तक चलता है, मॉनसून सेशन जुलाई से सितंबर तक चलता है, और विंटर सेशन जो है वो नवंबर से दिसंबर तक चलता है। तो ये आप 3 सेशंस के बारे में याद रखिए, इनका इंटरवल कितना होता है ये भी आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।